जय श्री राम। मैं अनिल सिंह बाहुबली, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व सनातन सेना संगठन से। तो अनिल सिंह जी, आज आप लोगों ने किस तरह का ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? आज हम लोग, जैसे कि मेरे सूचना मिली हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव जी के द्वारा, एक शराब की दुकान खुली हुई है बदऊ चुंगी वाराणसी में। एक शराब की दुकान खुली है जो पंचमुखी हनुमान मंदिर से एकदम सटा हुआ है। हम लोग उस मंदिर के पास उस शराब की दुकान हटाने का हम लोग का विषय चल रहा है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने इस विषय पर जिला अधिकारी वाराणसी और जिला एसपी महोदय को इस विषय पर पत्रक दिया था। फिर हम लोगों ने आज आबकारी विभाग में आए, लेकिन यहाँ पे आबकारी विभाग के कोई भी अधिकारी नहीं मिले। हम लोगों ने यहाँ पे बाबू को यहाँ का पत्रक हम लोगों ने दिया। हमारी मांग है तत्काल हनुमान मंदिर के पास से शराब की दुकान हटाई जाए, जो दुकान के मालिक मंगला जायसवाल हैं। अगर दुकान नहीं हटाई जाती है तो क्या आपका संगठन किस तरह का? अगर दुकान नहीं हटाई जाएगी तो हम लोग जमीनी स्तर से उतर के बाध्य हैं, क्योंकि हम अपने धर्म के पर हो रहे आघात को नहीं सह पाएंगे। और आज हनुमान जी को हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, ना कि आज जिस स्तर से शराब की दुकानें खुली हुई हैं, ना कि हनुमान जी को लोग जिस स्तर से बदनाम कर रहे हैं, हमारी देवी देवताओं को बदनाम करके। शराब की दुकान इस स्तर से खुली हुई है जिस स्तर से, जैसे लगता है हनुमान जी को ही दुकान की शराब की दुकान की लाइसेंस मिली हो।